Students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 6, emergence of regional cultures. So let's start the remaining paragraph. The Rajputs of Rajputana. It is another example of particular region's special characteristics. यहाँ पर जो दूसरा example है particular क्षेत्र का, यहाँ पर special उसकी विशेषताएं बताई गई हैं. All over Rajasthan, the different Rajput clan had a political control. The main tradition developed by these Rajputs were those of heroism, valor and sacrifices. In the folklore, stories and songs of Rajasthan describing their heroic sacrifices in the battlefield while fighting the enemy bravely till the end were recited by the bards who traveled from village to village singing these tales of military glory and loyalty to the clan, and the land women too were portrayed as heroic figure who were always ready to immolate themselves on the funeral pyre of their husbands by jumping into the sacred fire pit to protect their honor from the enemies in the face of defeat of their men. The practice was called Juhar, which depicted the valiant spirit and supreme dedication of the Rajput women. Such stories preserved the memories of the heroes and were expected to inspire others. These legends and stories of Rajput heroism formed the distinctive culture of Rajasthan. Pure Rajasthan mein yahan par alag jo Rajput kul होते हैं, राजपूत कुल, उनमें राजनीतिक कंट्रोल रहता है. यहाँ जो मेन परंपरा रहती है उसे डेवलप किया जाता है, आगे उसका विकास किया जाता है राजपूतों के द्वारा. और यहाँ पर जो साहस और वीरता और त्याग की जो बातें हैं वो बताई जाती हैं, और यहाँ पर लोक साहित्य की जो स्टोरीज़ हैं उनको डिस्क्राइब किया जाता है, उनको बताया जाता है, उनके गान किए जाते हैं राजस्थान में. उनको बताया जाता है कि उन हीरोज़ ने जो युद्ध भूमि में किस तरीके से त्याग किया, लड़ाई की बहुत साहस के साथ दुश्मनों के साथ में. तो इस तरीके की जो उनकी गाथाएं हैं उसको कवि बताता है. कहाँ जो दूर दूर जैसे गांवों में, एक गांव से दूसरे गांव में जाकर वो इस कविता को गाने के साथ में बताता है. तो ऐसे क्या है, उनका सैनिक यश भी बढ़ता है और पूरी ईमानदारी के साथ वो अपने कार्यक्रम को निभाते हैं. तो जो वुमेन्स होती हैं वो चित्र बनाती हैं, उनका यज्ञ का चित्र बनाती हैं, उनको दर्शाती हैं किस तरीके से. और यहाँ पर जो जब युद्धभूमि में जब मृत्यु हो जाती है उनके हस्बैंड की, तो वो उस पवित्र आग में अपने आप को भी ख़त्म कर देती हैं. और यहाँ पर एक जो इस तरीके की जो प्रैक्टिस है की जाती है जब उनके सम्मान में, तो फिर वो उसको जोहार कहा जाता है. और यहाँ पर क्या है कि काफ़ी बहादुरी से जो उनकी आत्मा और उनको ये डेडिकेशन दिया जाता है राजपूत विमेंस के द्वारा, और जो ये स्टोरीज़ हैं इनको सुरक्षित रखा जाता है, इनकी यादों को संजो के रखा जाता है ताकि ये जो स्टोरीज़ हैं दूसरों को इंस्पायर कर सके, उनकी बहादुरी से स्टोरी से वो इंस्पायर हो सके राजपूत जो हीरोज़ होते हैं. और ये जो अलग कल्चर है वो राजस्थान में दिखाई देता है. नेक्स्ट है फ्लरिशिंग डांस फॉर्म्स, यानी कि यहाँ पर जो डांस फॉर्म्स हैं उनको काफ़ी फल फूला रखा गया है. इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस डांस ट्रेडिशन सिंस एंशिएंट टाइम. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ईच स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंडिया स्टार्टेड डेवलपिंग इट्स ओन पर्टिकुलर डांस फॉर्म. भारत में जो ये डांस है इनका काफ़ी इस परंपरा रही है पुराने समय में, और इस समय के दौरान में जो हर एक विशेषता रही है हर एक डांस फॉर्म की अपने अपने क्षेत्र में, तो उसको क्या है उसका विकास किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है पर्टिकुलर डांस फॉर्म को. जैसे है भरतनाट्यम. इन साउथ इंडिया पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु भरतनाट्यम डेवलप्ड एज अ टेम्पल डांस. द गर्ल्स हु परफॉर्म दिस डांस वर कॉल्ड द देवदासीज हु डिवोटेड देयर एंटायर लाइफ टू द सर्विस ऑफ द डेटी. द चोला एम्पायर ग्रेटली पेट्रोनाइज्ड दिस फॉर्म. मैनी चोला sculptures depicted the features of this dance form. It was only in the 20th century when this dance form began to be performed outside the temple.
अब जो साउथ इंडिया में पर्टिकुलरली जो तमिलनाडु में भरतनाट्यम जो डेवलप होता है वो ये टेंपल डांस है, जिसमें जो लड़कियां हैं वो परफॉर्म करती हैं इस डांस में, जिसे देवदासीस कहा जाता है, जो कि डिवोट किया जाता है, पूरा जीवन जो है वो डिवोटेड कर देती हैं अपने लाइफ को, वो भगवान को समर्पित कर देती हैं पूरा जीवन। जो चोला एम्पायर है वो क्या है, उसमें ये देशभक्ति फॉर्म दिखाता है। मैनी चोलास के जो स्कल्पचर्स हैं उनमें इस फीचर्स की छवि आपको इस डांस फॉर्म की देखने को मिलती है। और ये केवल ये डांस जो है 20th सेंचुरी में जब ये डांस फॉर्म जो है शुरू हुआ था, और इसे मंदिर के बाहर परफॉर्म किया गया था। कथकली मेन कथकली है एज अ डांस फॉर्म। कथकली डेवलप्ड इन केरला एज अ काइंड ऑफ अ डांस ड्रामा विद एलोबरेटेड मेकअप एंड कलरफुल कॉस्ट्यूम्स। द डांस फॉर्म जनरली टेक्स अप सम स्टोरीज फ्रॉम द एपिक्स एंड रामायण एंड महाभारत एंड डिपिक्ट द विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर इविल। यानी कि ये जो कथकली डांस है ये डेवलप किया था केरला में, और ये जो एक डांस है ड्रामा टाइप का, और यहाँ पर जो मेकअप है कलरफुल कॉस्ट्यूम्स के साथ किया जाता है। इस डांस फॉर्म में जनरली कुछ स्टोरीज और ग्रंथ की, जैसे रामायण महाभारत का, वो दर्शाया जाता है, एंड कुछ छवियाँ दिखाई जाती हैं जीत की, और पूरा ओवरऑल जो बुराई पर अच्छाई की जीत होती है जो उसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी अरोज एज अ डांस फॉर्म इन आंध्र प्रदेश। इट कम्बाइंस म्यूजिक डांस एंड एक्टिंग टू डिपिक्ट सीन फ्रॉम एपिक्स एंड अदर मैथोलॉजीज। यानी कि कुचिपुड़ी जो है वो शुरू होता है डांस फॉर्म ये जो आंध्र प्रदेश में, और इसे कंबाइन किया जाता है म्यूजिक और डांस के साथ और एक्टिंग के साथ, और कुछ छवि जो है कुछ ग्रंथों की इसमें दिखती है, जो पुराने जो स्टोरीज होती हैं धार्मिक उनके ऊपर दर्शाई जाती हैं। नेक्स्ट है उड़ीसी। उड़ीसी ओरिजिनेटेड इन उड़ीसा एंड इज बेस्ड ऑन डिवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उड़ीसी जो है उसका मूलभूत जो है वो उड़ीसा में हुआ था, और ये बेस्ड है लॉर्ड कृष्णा के, यानी भगवान कृष्ण पे ये आत्मा समर्पण इसमें दिखाया जाता है। ये जो डांस फॉर्म है ये भगवान कृष्ण पर आधारित होता है और उन्हीं को समर्पित किया जाता है। इट इज़ अ सॉफ्ट एंड ग्रेसफुल डांस अकम्पनीड बाय मेलोडियस म्यूजिक एंड सॉन्ग संग इन द उड़िया लैंग्वेज। और जो डांस फॉर्म है ये काफ़ी सॉफ्ट और ग्रेसफुल डांस होता है, और ये पुराने म्यूजिक और सॉन्ग्स पर आधारित होता है और गाया जाता है उड़िया लैंग्वेज में। नेक्स्ट है कथक। द कथक डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड एज एन आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन द टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, वेयर द स्टोरी टेलर और द कथक्स मेड देयर स्टोरीज इंटरेस्टिंग बाय एडिंग गेस्टर्स एंड सॉन्ग्स। ग्रेजुअली कथक बिकेम अ डांस फॉर्म थ्रू दिस डिस्क्रिप्शन द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वर एनेक्टेड। यानी कि यहाँ पर जो कथक है डांस फॉर्म, इसका मूलभूत जो होता है एक आर्ट यानी स्टोरी आर्ट होता है, और ये बताया जाता है मंदिरों के बारे में नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पर स्टोरी बताई जाती है एक कथक्स की, जहाँ स्टोरीज बनाई जाती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ बनाई जाती हैं जो एक इशारे से गाने के द्वारा जो है कथक फॉर्म में उसे बताया जाता है। इसमें जो है हमारे राधा कृष्ण का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। ग्रेजुअली ड्यू टू द पैट्रनेज ऑफ द किंग्स एंड नॉबल्स कथक बिगिन टू बी परफॉर्म्ड इन द कोर्ट ऑफ एंड डेवलप्ड टू घरानाज और ट्रेडिशन, वन इन द कोर्ट्स ऑफ राजस्थान एंड द अदर इन लखनऊ। तो यहाँ देखा जाएगा जो एक संरक्षण राजाओं का किया जाता है, जो रईस होते हैं, कथक वहाँ शुरू किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है कोर्ट में, और इसको डेवलप किया जाता है दो घरानों के द्वारा, और उनकी परंपरा होती है। तो एक तो जो कोर्ट होता है राजस्थान में, और दूसरा जो होता है वो लखनऊ में होता है। कथक एज अ डांस फॉर्म स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया नॉर्थन इंडिया। इंट्रिकेट एंड रैपिड फुटवर्क एलबरेट कॉस्ट्यूम्स एंड एनैक्टमेंट ऑफ स्टोरीज बिकम द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस डांस फॉर्म। यानी कथक जो है वो एक डांस फॉर्म है जो पूरे नॉर्थन इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, जटिल और तीव्र जो पैरों का वर्क किया जाता है, इसको इसके जो कॉस्ट्यूम होती है काफ़ी विस्तृत तौलिया फैली हुई होती है, और इसमें स्टोरीज बनाई जाती हैं, स्पेशल फीचर्स होता है ये डांस फॉर्म का। नेक्स्ट है द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। यानी कि यहाँ पर छोटे आकार का जो चित्र होता है वो यहाँ की परंपरा है। सो मुगल रूलर्स वर ग्रेट पेट्रोन्स ऑफ पेंटिंग। द स्पेशल कंट्रीब्यूशन वॉज द मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर्स आर स्मॉल साइज पेंटिंग जनरली डन इन वाटर कलर
On cloth or paper, the Mughal emperors encouraged miniature paintings depicting court scenes, scenes of battlefield and hunting, marriage parties and other themes from social life. यानी कि जो मुगल राजा होते हैं, शासक होते हैं, तो ये बड़ा एक देशभक्ति जो पेंटिंग्स हैं वो भी दिखाई जाती है यहाँ पर. उनका जो मुख्य योगदान होता है, स्पेशल योगदान होता है इन पेंटिंग्स में, मिनिएचर पेंटिंग काफ़ी छोटे साइज़ की होती हैं और आमतौर पर ये इसमें वाटर कलर किया जाता है या कपड़े या फिर पेपर पर. मुगल राजा जो होता है ये क्या है, इनको साहसिक लघु पेंटिंग्स दर्शाया जाता है उसमें कोर्ट सीन्स में, और जो युद्धभूमि का सीन दर्शाया जाता है, शिकार का, शादी पार्टीज का और अदर जो इसमें सामाजिक लाइफ दिखाई जाती है. दीज वर पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर एंड गिव अस अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द कॉस्ट्यूम्स, ऑर्नामेंट्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ दैट पीरियड. तो यहाँ पर जो है पेंटिंग्स बहुत ही सुंदर कलरफुल बनाई जाती है और एक बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया जाता है कॉस्ट्यूम्स और ऑर्नामेंट यानी आभूषणों का, और किस तरीके का लाइफस्टाइल होता है इस समय का वो भी बताया जाता है. द मुगल एम्परर हु वॉज पैशनेटली अटैच्ड टू पेंटिंग्स वॉज एम्परर झांगी ड्यूरिंग दिस रीजन. पोर्ट्रेट पेंटिंग बिकम पॉपुलर विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. मैनी आर्टिस्ट एंड पेंटर्स मूव द राजपूत कोर्ट ऑफ द राजस्थान एंड द फोर्ट हिल ऑफ द हिमालयस, एग्जाम्पल प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश, दस डेवलप टू स्पेशल ट्रेडिशन और घरानाज ऑफ द राजपूताना एंड द कांगरा स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स. अपार्ट फ्रॉम कोर्ट सीन्स, थीम्स फ्रॉम मिथोलॉजी स्पेशली द लेजेंड ऑफ राधा कृष्ण वर द थीम्स ऑफ दिस पेंटिंग. यानी कि मुगल राजा जो होता है यहाँ पर उसका शौक होता है वो इस पेंटिंग के साथ अटैच्ड होता है, और जहांगीर के समय क्षेत्र में यहाँ पर जो पोर्ट्रेट बनाए जाते थे इस पेंटिंग के काफ़ी पॉपुलर होते थे. और जैसे ही मुगल शासन यानी एम्पायर का पतन हुआ यहाँ पर, तो काफ़ी आर्टिस्ट और पेंटर्स जो है वो राजपूत जो कोर्ट है वो राजस्थान से हिमालय में, आज प्रेजेंट डे में हिमाचल प्रदेश है, तो वो वहाँ चले गए. और उसके बाद जो ये डेवलप हुआ, इसके टू स्पेशल जो ट्रेडिशन थे, घराना ऑफ द राजपूताना एंड कांगरा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स का, फिर उसके बाद जो ये पार्ट है जो कोर्ट है इसके सीन्स के, कोर्ट के सीन और थीम्स, मिथोलॉजी स्पेशली जो है लेजेंड, यहाँ पर राधा कृष्ण की जो थीम्स हैं उस पेंटिंग्स में दर्शाए जाते थे. दस अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ मेडिवल इंडिया इज द एमर्ज ऑफ रीजनल कल्चर. दीज रीजनल कल्चर स्टेट्स एमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशन विद आइडियाज फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. द राइज ऑफ रीजनल कल्चर एनरिच्ड द यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. यानी यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इस मध्यकाल भारत में, मध्यकालीन युग का, तो कि यहाँ पर क्या है कि जो क्षेत्रीय संस्कृति थी उसका उदय हुआ, और इस क्षेत्रीय कल्चर की जो विशेषताएं थी उसका रिजल्ट ये रहा कि इंटरमिक्सिंग रही यहाँ पर जो स्थानीय परंपराओं की और आइडियाज़ की. तो ये जो महाद्वीप, जो इसके और अदर पार्ट्स हैं महाद्वीप हैं, तो उनमें जो है क्षेत्रीय संस्कृति का उदय हुआ और ये एक बहुत यूनिक डाइवर्सिटी यानी कि भारत में विभिन्नता दिखाई गई यहाँ. तो काफ़ी सारे जो कल्चर्स हैं और यूनिक चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिली इंटरमिक्सिंग के द्वारा. तो तरह तरह की जो विभिन्नताएं हैं, तो इस तरीके से जो भारत है वो काफ़ी अनोखा देश बन गया. और भारत में साथ ही साथ काफ़ी सारी क्षेत्रीय संस्कृतियों का उदय भी हुआ.